भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माँ तारी की, छत्तीसगढ़ माँ तारी की, माँ दंतेश्वरी की, माँ दंतेश्वरी की, चिटपिटिन मैया की, चिटपिटिन मैया की, राम रामिन की, रामा रामिन की। आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, जो वास्तव में कांग्रेस ने आदिवासी के नाम पर तो धोखा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी बेटा को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बना करके आदिवासी स्वाभिमान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ऐसे हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आपके सुकमा के माटी के पुत्र, जो आज पूरे सुकमा के लिए गर्व का विषय है, पूरे बस्तर के लिए गर्व का विषय है कि श्री किरण देव जी आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे किरण देव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय केदार कश्यप जी, जो बलिराम कश्यप जी ने पूरे बस्तर को एक नई दिशा दिखाने का काम किया, यहाँ के राजनीतिक जागरूकता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया, उनके घर से आने वाले और बस्तर को सदैव एक प्रतिनिधित्व देने वाले आदरणीय केदार कश्यप जी, बीजापुर के क्षेत्र से बस्तर की आवाज को हमेशा बुलंद करने वाले, न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले आदरणीय महेश गागड़ा जी यहाँ पर उपस्थित है। भाई महेश कश्यप जी, जो एक सामान्य परिवार से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को पूरा महत्व देती है और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसके प्रतीक के रूप में, इसके प्रतिबिंब के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के इस सोच के प्रतिबिंब के रूप में आदरणीय महेश कश्यप जी, जो बस्तर को दिल्ली में नेतृत्व प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि बनकर आए हैं। और मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे सुकमा के सभी साथीगण मंच पर उपस्थित, हमारे सभी मंचासीन साथी, मीडिया के मित्र, आसपास से आए हुए माता बहने, युवा साथियों और इस क्षेत्र के सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज सुकमा में आज हम लोग आए हैं, आज से करीब 12 साल पहले मैं इस क्षेत्र का, दंतेवाड़ा जब संयुक्त जिला था तो जिले का कलेक्टर हुआ करता था और उस समय बहुत कठिन परिस्थिति थी। उन कठिन परिस्थितियों से इस क्षेत्र को निकालने के लिए हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। आज मुझे याद आता है कि कैसी स्थिति रहती थी सुकमा से कोंटा जाने की। अभी भी मुझे याद है कि कोंटा में एक बार हम लोग आई कैंप करवाए थे और मुझे सुकमा से कोंटा पहुंचने में 4.5 घंटा लगा था, 4.5 घंटा लगा था। उस स्थिति से सुकमा कोंटा के सड़क की स्थिति को बाहर निकालकर अच्छे तरीके से सड़क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि काली मेला का पुल, जिसके लिए मैं कलेक्टर रहते हुए बहुत प्रयास किया और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल उसे स्वीकृति दी और काली मेला का पुल बना और सुकमा क्षेत्र का उड़ीसा से सीधा संपर्क स्थापित हो पाया। इस तरह के काम एक नहीं, सैकड़ों काम सुकमा क्षेत्र में हुए। यहाँ पे एजुकेशन सिटी का निर्माण हो, सुकमा को जिला बनाने का काम हो, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप सब लोगों को याद होगा कि 1998 तक पूरा बस्तर एक ही जिला हुआ करता था, पूरा बस्तर एक ही जिला हुआ करता था। चरामा, चरामा से लेकर कांकेर, कांकेर से केसकाल, केसकाल से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर, जगदलपुर से केसलूर, केसलूर से पूरा आप आ जाइए छिंदगढ़, छिंदगढ़ से सुकमा, सुकमा से कोंटा, इतने दूर तक एक ही जिला हुआ करता था। कांग्रेस को 50 साल तक राज करने का मौका मिला लेकिन 1998 तक पूरे बस्तर को एक ही जिला बना करके रखे रहे। बस्तर की चिंता कभी कांग्रेस ने नहीं की। ये जो बस्तर होता था
वो केरल राज्य से बड़ा एक जिला हुआ करता था 1998 तक, केरल राज्य से बड़ा जिला हुआ करता था, फिर भी कांग्रेस ने जिला बनाने का काम नहीं किया। इसे 3 जिला से 7 जिला बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया, आदरणीय विष्णुदेव साय जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी पार्टी ने ये सब संभव करके दिखाया, तभी आज बस्तर एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा है। बस्तर को, दक्षिण बस्तर को, दंतेवाड़ा को, सुकमा को, बीजापुर को नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि चाहे दंतेवाड़ा हो या सुकमा हो, ये नक्सलगढ़ ही नहीं शिक्षा का भी गढ़ है, ये हम पूरे देश के मानचित्र पर पूरे गर्व के साथ हम कह सकते हैं। अभी भी मेरे को याद है नीलावरम में बच्चों का किस तरह का हॉस्टल था, वहां पर एक जनपद के सदस्य हुआ करते थे, उनकी बाद में हत्या हो गई, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन उस नीलावरम में बच्चों का हॉस्टल कितने अच्छे तरीके से संचालित होता था। मुरतुंडा में बच्चों को आवासीय विद्यालय की जरूरत थी, मैं कलेक्टर के रूप में वहां आया था और 500 सीट का कोटा केबिन वहां पर हम लोगों ने बनाया, जिसमें आज गांव गांव के बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिलता है। इस तरह से अनेकों काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की शासन समय में कर पाए। आज मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि 3 महीनों में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, किरण देव जी के नेतृत्व वाली पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उसका विस्तार से उल्लेख आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन मैं इतना ही बात बोलना चाह रहा हूं कि अभी हेलीकॉप्टर में आ रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को साफ साफ निर्देश दिया है कि वित्त मंत्री जी पूरे पैसे का जुगाड़ कर लीजिए, माताओं बहनों को, सारी महतारियों को, सारी बहनों को, सारी दीदियों को हर महीने एक पहले ही सप्ताह में तनख्वाह की तरह महतारी वंदन का पैसा चला जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी अभी मुझे निर्देश दिए। 1 अप्रैल आया, पहला सप्ताह आया, अप्रैल का पैसा चला जाना चाहिए। 1 मई आया, पहला सप्ताह आया, मई का पैसा चला जाना चाहिए। ये उन्होंने निर्देश दिया है मेरे कान पे, वो मैं सब दीदी माता बहनों को बताना चाह रहा हूं। बाकी उन्होंने 3 महीने में तो जितना काम किया है, कांग्रेस 5 साल में उतना काम नहीं कर पाई, आप सब लोग देखते रह गए। वो लोग अपने लिए घर बना रहे थे। अभी मैं आया था किरण देव जी के घर में, जब गमी हुई थी तो रास्ते में मैं जा रहा था तो बोले ये घर बन रहा है, ये कैसा घर है पता है आपको, बोले। तो मैं पूछा कैसा घर है, तो जैसा महेंद्र सिंह धोनी का रांची में घर है वैसा ही घर का डिजाइन किया गया है। तो ये अपने लिए घर बनाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, विष्णुदेव साय जी की पार्टी 18 लाख गरीबों का घर बनाती है। ये अपने लिए महेंद्र सिंह धोनी जैसा घर बनाते हैं और विष्णु साय जी 18 लाख गरीबों के लिए घर बनाते हैं। जब तक 18 लाख गरीबों के घर को उन्होंने स्वीकृति नहीं दे दी, मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश तभी किया जब 18 लाख गरीबों के घर का आवास का फाइल स्वीकृत हुआ। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ऐसी हमारी सरकार है। आज नरेंद्र मोदी जी को, दोस्तों महेश कश्यप जी युवा हैं, सहज हैं, सरल हैं, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। उनको चुनने का जो हमको अवसर मिला है, एक बड़ा अवसर है हम सबके लिए। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि ये चुनाव केवल भाई महेश कश्यप का चुनाव नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। भारत को दुनिया के नक्शे में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का चुनाव है। इस बात को आप याद करते हुए कमल को आशीर्वाद दीजिएगा, भाई महेश कश्यप को आशीर्वाद दीजिएगा। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होता है। आप ही मालिक हैं, आप ही जनार्दन हैं, आप ही को तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अपने जीवन का कण कण और पल पल खपा दिया, आज उस व्यक्ति को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप 19 अप्रैल को कमल के छाप पर
बटन दबा दीजिएगा भाई महेश कश्यप को और साथ में नरेंद्र मोदी जी को, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। ये आशीर्वाद मांगने के लिए हम सब लोग आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और एक बड़ी बात आई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय सिंचाई मंत्री केदार कश्यप जी ने विशेष रूप से बात रखी है कि मलगेर डायवर्सन का काम पूरा होना चाहिए, ये सुकमा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, आदरणीय सिंचाई मंत्री केदार कश्यप जी के निर्देशानुसार इसको वित्त विभाग से तत्काल स्वीकृत किया जाएगा और सुकमा में मलगेर डायवर्सन के काम को पूरा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।